ये क्या है, इसको भी क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बाहर, और डी बाय डी एक्स एक्स की थ्री, इसको डी बाय डी एक्स थ्री बाहर आ जाएगा, एक्स की टू का डिफरेंशिएट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म क्या आ जाती है बाहर, प्लस फोर डी बाय डी एक्स, इसको हम क्या ले देंगे ऊपर, तो एक्स की पावर माइनस टू माइनस एट, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो, तो माइनस डी बाय डी एक्स एट का डिफरेंशिएट करेंगे, ओके तो ये क्या आ जाएगा फोर इंटू थ्री करेंगे, इसमें माइनस वन हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा ट्वेल्व एक्स की टू, क्या रूल लग जाएगा थ्री आगे आ जाएगा, इसमें माइनस वन हो जाएगा, ओके माइनस ये क्या आ जाएगा थ्री थ्री इंटू टू सिक्स एक्स प्लस, ये क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस एट एक्स, और ये क्या आ जाएगा जीरो, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट एक्स। सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा माइनस थ्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ट्वेल्व एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट बाय में एक्स की पावर थ्री, ओके देन राइट डाउन। ये क्या हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट अगर हम सॉल्व करें, दैट इज द सेकंड पार्ट, फाइव एक्स की फोर प्लस फोर एक्स थ्री बाय फोर माइनस थ्री एक्स की स्क्वेयर प्लस टू एक्स, फाइव एक्स की फोर क्या आ जाएगा ट्वेंटी, एक्स की थ्री प्लस फोर इंटू थ्री बाय फोर, एक्स की पावर थ्री बाय फोर माइनस वन, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, माइनस सिक्स एक्स प्लस टू, ये क्या आ जाएगा ट्वेंटी एक्स की थ्री प्लस थ्री एक्स की पावर, इसमें अगर इसका एलसीएम लेंगे फोर, तो थ्री माइनस फोर ये क्या आ जाएगा माइनस वन बाय फोर, माइनस सिक्स एक्स प्लस टू, क्या लिख सकते हैं ट्वेंटी एक्स की क्यूब प्लस थ्री एक्स थ्री बाय में एक्स की वन बाय फोर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू, दैट इज द आंसर।